मेरे साथ मौजूद हैं दीपेंद्र सिंह हुड्डा। सर पिछली बार हाथी निकल गया लेकिन पूछ रह गई, 7300 वोट से आप इस सीट को हार गए थे, इस बार क्या रुझान है, क्या माहौल है ग्राउंड पे? देखिए हरियाणा के अंदर लोगों ने बदलाव का मन बना लिया है। आपने सही कहा, पिछली बार लोगों ने बहुत आशीर्वाद दिया, विपक्ष के उम्मीदवार की सबसे ज़्यादा 48% लोगों ने रोहतक में आशीर्वाद दिया था, लेकिन थोड़े से मार्जिन से ये सीट हम हारे थे। इस बार प्रचंड बहुमत से रोहतक लोकसभा सीट कांग्रेस पार्टी जीतेगी, और केवल रोहतक ही नहीं 10 की 10 सीट हरियाणा में कांग्रेस का गठबंधन जीत की तरफ अग्रसर। एक नैरेटिव बनाया जाता है जाट वर्सेस नॉन जाट हरियाणा के अंदर, आपको लगता है कि क्योंकि कहा जाता है कि बीजेपी के द्वारा बनाया जाता है, इसका फायदा उनको मिलता है चुनावों के अंदर, आप कुछ ऐसा देख पा रहे हैं? ये भाजपा का नैरेटिव है, हमारा नैरेटिव है परफॉर्मिंग वर्सेज नॉन परफॉर्मिंग। बीजेपी की 10 साल की सरकार नॉन परफॉर्मिंग सरकार साबित हुई है, और लोग अब परफॉर्मिंग सरकार लाने के लिए, हरियाणा के उज्ज्वल भविष्य के लिए, देश के संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए प्रदेश के लोगों ने बदलाव का मन तय कर लिया। आखिरी सवाल, नायब सिंह सैनी की जो सरकार है वो अभी अल्पमत में है, आपको लगता है कि जो लोकसभा का रिजल्ट आएगा वो एक रेफरेंडम के तौर पर होगा कि लोग में कितनी पॉपुलर है वो सरकार या नहीं? सही बात है, अल्पमत की सरकार है, केवल 43 विधायकों की सहारे पे सरकार खड़ी है, और जब हमने विश्वास मत की मांग करी तो इन्होंने कहा लोकसभा चुनाव चल रहा है बीच में, कैसा विश्वास मत? तो आज मतदान हो जाएगा, 4 को मतगणना हो जाएगी, उसके बाद लोग देख लेंगे कितने विधायक किस पाले में खड़े हैं। हरियाणा के अंदर अब जल्दी चुनाव निश्चित है, और चुनाव में प्रचंड बहुमत के साथ हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएगी ये भी निश्चित है। ये सरकार ना सिर्फ विधानसभा में, आप 4 को देख लेना, लोगों में भी अपना विश्वास मत खो चुकी है, डबल इंजन की कहलाने वाली ये सरकार, मतगणना के बाद आपको केवल 2 इंजन ही नजर आएंगे, डब्बा कोई इनको दिखाई नहीं देगा। धन्यवाद उनसे बात करने के लिए। ये थे दीपेंद्र सिंह हुड्डा, साफ तौर पर कहते हुए कि हरियाणा की डबल इंजन की जो सरकार है उसके इंजन बड़ी जल्दी नदारद होने वाले हैं और मात्र डब्बे ही डब्बे रह जाएंगे। रोहतक से मैं राहुल गौतम प्रदीप गुप्ता के साथ आज तक के लिए।